हेलो एवरीवन, हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। आवाज ठीक है बच्चों? आवाज ठीक है? आवाज सही आ रही है? फटाफट से बता दो यार, आवाज ठीक है या नहीं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। हाँ। यस 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 यस। सो आई थिंक माई वॉइस इज ऑल्सो, हाँ वॉइस इज गुड, वॉइस इज गुड, थम्स अप थम्स अप। हाँ जी बच्चों, परफेक्ट। हाँ जी हाँ जी, क्या हाल है सबके? हाउ इज एवरीबडी डूइंग? क्या हाल है? सबसे पहले तो यार सारे बच्चों को मेरी तरफ से हैप्पी हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे, और आज आपका दिन बहुत अच्छा जाए। आप आई विश कि आपको अपनी लाइफ टाइम में बहुत अच्छे दोस्त मिले जो आपको अपलिफ्ट करते हो, और ऐसे दोस्त जो आपकी खुशी में आपका साथ दे, और अगर आप गलत कर रहे हैं तो भी आपको थोड़ा बताए कि भाई तू गलत कर रहा है, लेकिन ऑल इन ऑल आपको पुश करे, आपको अच्छी चीजों के लिए प्रेरित करे, और ना कि आपको ऐसे दोस्त मिले जो ना ऐसे दिखने में दोस्त लगते हैं लेकिन अंदर अंदर ही अंदर जल रहे होते हैं। तो यार अगर आपके पास ऐसे दोस्त है जो आपको लगता है यार ये तो मेरे से जेलस कर रहा है, तो बेटा वो ना क्या कहेंगे, दोस्त की आड़ में वो कोई और है, उसे पहचान लो, सही पहचान लो, है ना। तो यार हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू। मैं बहुत लकी हूँ यार, मेरे को बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं बचपन से ही। आई हैड लाइक वेरी गुड फ्रेंड्स। मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स है दे आर फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। जी हाँ, जो मैं अभी तक रिटेन कर पाई हूँ जिनको। हाँ जी, जब मैं तुम्हारी क्लास, जब तुम्हारी जितनी थी ना, तो यार हाँ वही है मेरे दोस्त जो जब मैं 11th क्लास में थी तुम्हारे जितनी थी, तब से अभी तक वो है मेरे साथ। तो यार आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई हैव देम इन माई लाइफ। यस यस, देयर नेम्स इज, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इज आशी पंडिता रायना। There are so many. Yeah, दोस्त तो है ही बहुत सारे हैं, पर कुछ होते हैं ना जो एकदम फैमिली लेवल तक पहुंच जाते हैं, भाई बहन की जगह ले लेते हैं, तो है वो भी है बहुत सारे। हाँ जी, तो सबके नाम ले लेते हैं एक बारी लाइव सेशन में, जो जो आ गया है। चाय ले लेती हूँ, इस पे वो ना मलाई जम जाती है यार। हाय, अच्छा एक एक बच्चा कह रहा है मैम बेस्ट एज फॉर लाइफ टाइम फ्रेंड्स। दोस्त बनाने के लिए कोई एज नहीं होती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जितने हम छोटे होते हैं ना उतने जल्दी हम लोग अच्छे दोस्त अगर बना रहे तो सही रहता है, क्योंकि आगे जाके ना लोग थोड़े मतलब ही हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो मतलब निकालेंगे तभी दोस्ती डालेंगे। पर जो अभी जैसे आपकी एज है ना, इस टाइम पे जो फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप की आड़ में कुछ और नहीं, सिर्फ फ्रेंडशिप, एकदम भाई वाली, मतलब एकदम सिबलिंग वाली फ्रेंडशिप जो उस लेवल की पहुंच सकती है, तो 11th 12th आई थिंक इज गुड, बट नॉट टू ओवर इंडल्ज ऑल्सो, है ना। अच्छा तो यार पहले देख लेते हैं अपनी लाइव सेक्शन में कौन कौन आया है। यार लाइव चैट में कौन कौन सी जनता आई है देखते हैं। मुकुल चोपड़ा, किलर जैक, अभय कुमार, हनी बनी, एकांत सिंह, फिरोज खान, आसिफ अनवर, अजीत चौधरी, सिमी चौहान। हाय सिमी चौहान, सिमी ने मेरे को बड़ा बोला मैम कोई एक सेशन ले लो, हम बड़े डिप्रेस हो रहे हैं। तो सिमी देख ले बेटा, सुन ली मैंने आपकी बात। ओके आनस खान, ओके जी। किट्टू इज देयर, हेयर आई एम इज देयर। हाँ जी, मकवाना सतीश, ये बच्चा भी बहुत मैसेज करता है। मकवाना बताना क्या दिक्कत होगी, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देने के लिए आ जाऊं। अच्छा एक बच्चे का नाम है, हाय अनिकेत, हाय स्टार्ट। हाँ जी हाँ जी अनिकेत, हाय अनिकेत। इशिता श्रीवास्तव, कोई बच्चा जिसका नाम मैं लेना भूल गई हूँ तो मुझे बहुत माफ कर देना यार। शाहू खोपे इज ऑल्सो देयर। फॉल्को रोसो, हाय चौहान प्रिया, हाय फॉल्को। और कोई रह गया भाई? और कोई रह गया? बुला लो अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को फ्रेंडशिप डे पे बुला लो, अपने मित्रों को, मित्र मित्रगणों को बुला लो। हाँ जी समीक्षा जाधव, हाँ जी बेटा, हाँ मैं ठीक हूँ। नम्रता पांडे, हाय नम्रता, हाय सिंधु राठौड़, हाय स्माइल ऑफ नेचर, हेलो हेलो मुस्कान, हेलो आशुतोष गर्ग इज देयर, हाय बसवती, हेलो बसवती इज ऑल्सो नाइस किड, बहुत बढ़िया। अक्विंदर, हाय अक्विंदर, अक्विंदर मेरी फ्रेंड है इससे मैं बात नहीं कर पाई। अकविंदर मैं बाय द वे आपको कॉल कर रही थी, ग्रुप कॉल चल रहा था, आपने कॉल नहीं उठाया, मेरी गलती नहीं है, ठीक है। अक्की इज माय डियर फ्रेंड। तो उमाकांत, हाय उमाकांत। अंशु कुमारी, ड्रीमर पर्सन,
आशुतोष गर्ग, शुभ शर्मा, अभिरूप, कुछ अभिरूप कह रहे मैम कुछ वीलॉग्स बनाए करेंगे यार, तुम्हारा एक बार पेपर हो जाए ना उसके बाद मेरे को ना मेरी आत्मा को ठंडक पड़ेगी कि मैं कुछ वीलॉग जैसा करूं। अभी नहीं यार, अभी मेरे को भी टेंशन है, आपके साथ ही टेंशन है, जब तक आपका नहीं हो जाता एग्जाम तब तक यार प्रीतिका मैम भी चिल नहीं कर सकती, ये तो गलत हो जाएगा ना। बच्चा बेचारा पढ़ रहा है और मेहनत कर रहा, टीचर चिल कर रहा, नहीं है, नॉट पॉसिबल। थैंक यू आशुतोष गर्ग। आशुतोष कह रहे हैं कि मैम आई लाइक योर नीट फैक्ट वेरी मच। थैंक यू, आपको पसंद आया प्रीतिका मैम की जीवन में खुशी आ गई ये सुन के। हाय उमाकांत, हाय मंत्रा, हाय दीदी, हाय बेटा। हाँ जी उन्नत, राकेश, और कोई बच्चा रह गया? ओके हियर आई एम, ओके अनिकेत, अंकित, अंकित, ओके जी, और कोई बच्चा जिसका मैंने नाम नहीं लिया हो, कोई ऐसा बच्चा? अच्छा तो बच्चों पहले मैं बता देती हूँ इस वीडियो में क्या हो रहा है। यार मैंने आपको जैसे प्रॉमिस किया कि मैं 15 दिन के बाद डाउट क्लास लिया करूंगी, तो ये एक डाउट वीडियो है, एक चिट चैट वीडियो है, आपके कोई कष्ट है, जैसे अभी सिमी कह रही थी कि मैम मैं बड़ी डिप्रेस्ड हूँ यार, थोड़ा सा मिल लो और बताओ, तो ऐसी बातें भी, एंग्जाइटी रिलेटेड भी अगर डिस्कस करना है तो आई एम हियर बच्चों, शाउट योर क्वेश्चंस, शूट योर क्वेश्चंस, आई एम हियर। ठीक है, जो मेरे से बेस्ट आंसर्स होंगे मैं दे दूंगी यार, ठीक है, कोशिश रहेगी कि आपका आंसर आपको मिल जाए, दे दूं मैं आपको। अच्छा शुभ ने ना बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, पहला सवाल हम ले रहे हैं शुभ शर्मा का। शुभ शर्मा मुझसे कह रहे हैं कि मैम टेल द यूजलेस चैप्टर ऑफ बॉटनी इज व्हाट। बेटा पहले तो शुभ क्वेश्चन ही तुम्हारा बड़ा जबरदस्त है कि मैम बताओ यूजलेस चैप्टर कौन से होंगे। यार कोई भी चैप्टर बॉटनी का यूजलेस कहना तो तब हुआ ना कि उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है। मैं यूजलेस तो नहीं बोल सकती उसको, पर मैं लेस इंपॉर्टेंट भी क्या कैसे ही बोलूं, मैं ये कह सकती हूँ उस पर एफर्ट मत डालो। जैसे कि लिविंग वर्ल्ड चाहे तो आप इग्नोर कर सकते थे, लेकिन आपको पता है एक बार उससे भी 3 सवाल आए हैं, तुम कहने को किसी को कह नहीं सकते। पर मैं ये बोल सकती हूँ कुछ चैप्टर्स जिनको आप एंड में पढ़ो, फॉर एग्जाम्पल लिविंग वर्ल्ड को एंड में पढ़ो, प्लांट किंगडम को एंड में पढ़ो। चैप्टर बहुत लंबा है प्लांट किंगडम, यूनिट बहुत बड़ा है चैप्टर, तो इसको स्टार्टिंग में पढ़ के एनर्जी बहुत लगाओगे गलत बात है। तो बेहतरीन वो चीज रहेगी कि अगर आप ऐसे चैप्टर्स को करें जिनकी वेटेज कम है उनको बाद में करें, और जिनकी वेटेज ज्यादा, जैसे सेल साइकिल यार सबसे पहले अटैक करना चाहिए इसके ऊपर, सबसे छोटा चैप्टर बड़ा धमाका, मिनिमम एफर्ट लेता है मैक्सिमम खुशियां देके जाता है, मैक्सिमम स्कोर देके जाता है, तो यार ऐसे चैप्टर को पढ़ो, ऐसे चैप्टर को पढ़ना चाहिए, है ना। तो ये चीज मैं आपको बोलूंगी, स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम द वेरी स्कोरिंग चैप्टर्स लाइक सेल बायोलॉजी, रिप्रोडक्शन, मेंडेलियन इनहेरिटेंस एंड जेनेटिक्स हो गया। और बच्चे, जिस बच्चे को लगता है कि मैम मेरा जेनेटिक्स बहुत खराब है, मैं जेनेटिक्स के लिए नहीं बनाऊ, तो राजे आपके लिए इकोलॉजी बनी है, आप इकोलॉजी को करें, इकोलॉजी उतने ही नंबर देगी, 30-40 मार्क्स दे जाती है इकोलॉजी जितना आपको जेनेटिक्स देता है। तो जिस बच्चे को जेनेटिक्स नहीं आता इकोलॉजी पे छलांग लगाओ यार, दिक्कत क्या है यार, दिक्कत क्या है, ठीक है। हाँ जी ये मैंने शुभ का क्वेश्चन लिया है। फिर उसके बाद आनस कह रहे मैम एनवायरमेंटल इश्यूज कब होगा? राजे कल होगा, कल शाम को एनवायरमेंटल इश्यूज एक चैप्टर रह गया वो करवा दूंगी, उसके बाद आपके टेस्ट सीरीज लेकर आऊंगी, ठीक है। हाय किलर जैक, अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस अजीत, ये कल से ट्यूसडे से आई विल स्टार्ट। बस आपके साथ थोड़ा डिस्कशन करना है, आप लोग मुझे पोल में आंसर करना कि मैं डाउट सीरीज लेकर आने वाली हूँ, विल यू गाइज बी कंफर्टेबल एट इन द मॉर्निंग। मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसे ना टाइमिंग रख दू 11 बजे के करीब, 11 बजे 45 मिनट्स का टेस्ट लेने आ जाओगे, 11 बजे विल बी ओके विद यू। पोल में पूछ लूंगी, पोल में ज्यादा बेटर रहेगा, पोल में आंसर देना आप लोग, ठीक है। अभी नहीं देना तो कोई बात नहीं, बट सोचा है कि सुबह के टाइम पे टेस्ट रखेंगे, तुम्हारा थोड़ा पेस सेट हो जाए। और अगर तुम कहते हो कि नहीं मैम रात को करना है तो तब भी बता देना मुझे, ठीक है, इसको हम डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है, इसको बाद में करते हैं। नम्रता कह रही मैम इकोलॉजी कंटिन्यू करवा दीजिएगा। हाँ बेटा एक ही चैप्टर रह गया नम्रता, उसके बाद आप इकोलॉजी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मंत्रा भट, मैम प्लीज सजेस्ट स्टडी पैटर्न 40 डेज पहले नीट पैटर्न में, यही है राजे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को अटैक करो यार, सेल बायोलॉजी, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स हो गया, ठीक है, उसके बाद मॉर्फो हो गया, उसके बाद एनाटॉमी हो गया और प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, तो पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कर दो। अगर आपको लग रहा है मैम हमें नहीं पता इंपॉर्टेंट कौन से है, मेरे पे छोड़ दो यार, अभी मैं अभी भी लिखवा सकती हूँ और मैं टेलीग्राम में भी डाल दूंगी, पोस्ट में भी डाल दूंगी कि कौन से चैप्टर को पहले अटैक किया जाए जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है, वी कैन डू दैट। तो क्वेश्चंस को स्टडी करें, एक काम करते हैं यार डिस्कस ही कर लेते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। मंत्रा आपके क्वेश्चन को मैं अच्छे से लेती हूँ, रुको, मंत्रा ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है,
तो मंत्रा के क्वेश्चन को मैं करवाऊंगी आराम आराम से। एक सेकंड, मेरे को ना पीपीटी खोलनी पड़ेगी, एक सेकंड देना यार। मंत्रा ने डंग का क्वेश्चन पूछा कि मैम थोड़ा सा आइडिया दे दो कि कैसे करेंगे क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, कैसे करेंगे पढ़ाई। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे सकती हूँ, आपके लिए वो तो नहीं बना पाऊंगी मैं पूरा बेटा, स्केड्यूलर अभी एकदम में नहीं बनेगा, अगर आप कहते हो तो कर लेंगे। वन सेकेंड बच्चों, रुको एक मुझे ब्लैंक पीपीटी खोलने दो यार। बड़े सारे क्वेश्चंस लग रहे हैं यार, बड़े सारे क्वेश्चंस लग रहे हैं, बड़े क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम लोग। रुको कर रही हूँ, कर रही हूँ, तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर तुम्हें मिलेगा। प्रीतिका मैम इज हेयर, वाई फेयर। पहले मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस ले लूं, फिर स्टडी पैटर्न को डिस्कस करते हैं। स्टडी पैटर्न थोड़ा सा लंबा है, मैं इसके बारे में बात करती हूँ। पहले कुछ छोटे क्वेश्चंस ले लेती हूँ, फिर स्टडी पैटर्न पे आऊंगी, ठीक है। माइंड मत करना बच्चों, अच्छा पहले ना मैं कुछ छोटे क्वेश्चंस लेती हूँ। मंत्र आपका क्वेश्चन मैंने देख लिया है, स्टडी पैटर्न में बताती हूँ, ठीक है। एमसीक्यू बहुत गलत हो रहे हैं मैम, चैप्टर 12 के मकवाना सतीश कह रहे हैं कि मैम एमसीक्यू बहुत गलत हो रहे हैं। बेटा अगर एमसीक्यू आपके गलत हो रहे हैं, इसका दो रीजन हो सकता है। एक रीजन हो सकता है कि सिली मिस्टेक है, आप बायोलॉजी में ये गलती कर रहे हो कि ये नहीं पढ़ रहे हो, विच इज द इनकरेक्ट वन, नॉट करेक्ट वन। तो या तो सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हो रही है, या तो चैप्टर ही नहीं पढ़ा है। तो सजेस्ट करूंगी सतीश, मकवाना सतीश, कि आप पहले एनसीईआरटी से क्विक रिविजन ले लो, उसके बाद एमसीक्यू करो। जो एमसीक्यू गलत हो रहा है उसकी थ्योरी फिर से करो, जरूर मार्क्स बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे, हो ही नहीं सकता नहीं बढ़े। सिमी चौहान कह रही है कि मैम मैं आपके नोट्स आपसे पढ़ रही हूँ, इज दैट इनफ। सिमी मेरे को ये नहीं पता कि बेटा आप वन शॉट के लिए नोट्स इनफ नहीं है। जो मैंने सिमी लंबे वाले करवाए ना, जैसे चार दिनों में ये करो, दो दिन में करो, उस वाले नोट्स पे आप रिलाई कर सकते हो। मेरी चैनल पे जो भी मैंने वीडियोस कराई है ना, जैसे 4-5 days में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, 5 days में मेंडेलियन मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, फोटोसिंथेसिस इन 3 days, तो इन पे आप बिल्कुल रिलाई कर सकते हो। बेटा मैंने आकाश में पढ़ाया और आपको पता है आकाश वाले टीचर्स, एलन वाले टीचर्स सीरियस टीचर्स होते हैं, ठीक है ना, परफॉर्मेंस ड्रिवन, ऐसे वाले कि जिनसे बच्चों का सिलेक्शन हो और टीचर्स के नोट्स में से सारे क्वेश्चंस आ जाए, तो आप भरोसा बिल्कुल कर सकते हो। बट अगेन आई विल से नॉट ऑन वन शॉट, वन शॉट होता है क्विक रिविजन। नोट्स बनाने के लिए वो सारी 2-3 days सीरीज जो मैं लाती हूँ ना, 4 दिन में ये, 2 दिन में ये, उसको फॉलो करो, ठीक है। मेरा ये मतलब नहीं कि बाकी टीचर अच्छे नहीं है, पर मैं ये बोल रही हूँ आकाश और एलन के तो एकदम सर्टिफाइड टीचर्स हुए ना, हमारे यहाँ पे तो अलाउड ही नहीं है ना टीचर्स को ऐसे मटेरियल हाथ में लेके जाना, आकाश में नहीं था अलाउड ऐसे। आपको टीचर के जो दिमाग में वही दिमाग में होगा और वही बोर्ड पे लिख के आएगा वो, तो टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं वहां पे, तो इसलिए इन वाली सीरीज पे आप रिलाई करो। मैं वही नोट्स करवा रही हूँ जो मैंने आकाश में बच्चों को कराया, सेम आपको भी कराया, कोई ऐसा छुपाया नहीं है मैंने, ठीक है सिमी। मैम समटाइम्स आई फील डीमोटिवेटेड, भावनेश, भावनेश बच्चे डीमोटिवेटेड अभी अगर नीट 2021 चल रहा है इस टाइम पे, डीमोटिवेटेड फीलिंग्स को साइड पे रख दो यार, फीलिंग्स अभी नहीं चलेंगी, फीलिंग्स के लिए हम लोग बाद में बात करेंगे 12 सितंबर के बाद। अभी क्या फील कर रहे हो, एंग्जाइटी सबको फील हो रही है, इवन द टॉपर जिसने एम्स टॉप करना फोड़ ना, उसको भी एंग्जाइटी है। अकेले आपको एंग्जाइटी नहीं है, सबको एंग्जाइटी है, आप स्पेशल नहीं हो, सबके साथ एंग्जाइटी चल रही है। बेस्ट ये रहेगा दिमाग को खाली छोड़ो ही मत, लग जाओ काम पे, एमसीक्यू पे लग जाओ, और अपने मन को बोलो हाँ यार मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है, मैं डिमोटिवेटेड हूँ, अपने आपको बोलो यार मैं बाद में अपने आपसे ये बातें करूंगा, फिलहाल मुझे काम करना है, मैं पहले एमसीक्यू लगाता हूँ फिर देखेंगे, ठीक है। भावनेश का मैंने आंसर दे दिया, अच्छा ओके। नीट्रिक्स मैम कॉल स्टूडेंट चिल्ड्रन राजा डोगरी स्पीकिंग पीपल ऑल्सो डू दैट, ओके नीट्रिक्स स्वीट हार्ट। मैम आप सही चैप्टर, मैम सब सही, इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से अभी करवाती हूँ उस पर अभी बताती हूँ, एक सेकेंड। अंशु कुमारी पूछ रही है मैम आई एम डूइंग स्कूलिंग अलॉन्ग विद नीट प्रिपरेशन फ्रॉम आकाश कोचिंग एंड आई गॉट डिप्रेस व्हेन माय फ्रेंड्स से हाउ डू आई मैनेज बोथ, हाउ डू आई मैनेज दिस। अंशु एंड एवरीबडी, जो बच्चे को लग रहा है ना मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, मैनेजमेंट इज अ प्रॉब्लम, ये पता किस बच्चे के लिए होगी, जिसको प्यार नहीं है बायोलॉजी से, जिसको प्यार नहीं है मेडिकल साइंस से। अगर मेरे को बाइक चलाने में बहुत इंटरेस्ट है ना, तो मेरे को अगर आप कहते हो ना कि तुम बाइक में ये स्टंट मार के दिखाओ, तो मैं अपनी दिन रात एक कर दूंगी और मैं वो स्टंट कर दूंगी,
क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट है। लेकिन अगर आप मुझे कहोगे प्रीतिका मैम जाओ रोटी बनाओ जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं हो, तो मुझे बोल रहे हो उसमें परांठे बना के दिखाओ, मैं नहीं बना सकती हूँ, दैट इज नॉट माई इंटरेस्ट। लाइकवाइज अगर आपका बायोलॉजी में इंटरेस्ट है और अगर आपको कोई क्वेश्चंस दे रहा है, ओवरलोड दे रहा है, तो आप उसको गेम की तरह खेलते हो कि यार हाँ मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ब्रिंग इट ऑन मैन, लेकर आओ और बताओ क्या है, और बताओ मैं अपना 200% दूंगा, तो आपके दिमाग में ये ना क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि मैनेज कैसे करना है। When you fall in love with something, you don't think about managing that, ठीक है? तो पहले अपने आप से बात करो कि क्या मेरे को प्यार है बायो से, क्या मेरे को मेडिकल से प्यार है भी, क्या मैं इसके लिए बना भी हूँ। इंटरेस्ट प्लस ग्रोथ इज इंटरेस्ट प्लस चैलेंज इज इक्वल टू ग्रोथ। अगर इंटरेस्ट है चैलेंज है तो ग्रोथ होगी, इंटरेस्ट नहीं है चैलेंज पे चैलेंज है तो ग्रोथ कभी भी नहीं होगी। पहले इंटरेस्ट होना चाहिए ना यार स्वीट हार्ट, पहले इंटरेस्ट जगाओ, इंटरेस्ट नहीं है तो जगाओ, और अगर कुछ और में इंटरेस्ट है तो उसको एक्सप्लोर करो यार, मैनेज हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, मैनेजमेंट की टेंशन मत लो यार। अभी तो स्कूल में वैसे भी दिक्कत नहीं है, अटेंडेंस का तो इशू नहीं है, है ना? मैं ये नहीं कह रही कि अपना टीचर का ऑफलाइन कर दो और अपना पढ़ने शुरू हो जाए, मैं ये नहीं कह रही, पर अभी फिर भी अटेंडेंस की तो चिंता ही नहीं है यार ज्यादा। सोचो वो वाले भैया दीदी तुम्हारे पुराने वाले सीनियर जिन्होंने बेचारों ने स्कूल भी गए, धक्के भी खाए बस के, कार के, बस जो भी होती है, और फिर भी किया, तो उन्होंने कैसे किया होगा? ये प्यार ही होगा बायो करने का ना और मेडिकल करने का, तभी हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है। बाकी मैनेजेबल है, मैं हूँ आपके साथ, ठीक है। मैम मॉर्फोलॉजी के लर्न नहीं होते, आनस कह रहे मैम मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल लर्न नहीं होते, तो यार अपने दोस्तों का नाम रख दो, कैक्टस पंछिया, अपने दोस्तों के नाम पे डाल दो कोई एग्जाम्पल्स, तब याद होंगी, नहीं तो यार निमोनिक्स बना दो, मैंने इतने पढ़ाए हैं, एमसीडी एक्ट्स, मास्टर चाइना रोज दतूरा, एक्ट्स इज एक्टिनोमॉर्फिक, ऐसे लर्न करो, मैंने निमोनिक्स बनाए हैं, निमोनिक्स की अगर आप कहते हो सीरीज लानी तो निमोनिक्स की सीरीज ले आऊंगी, टेंशन नॉट, ठीक है। तो यार ऐसे निमोनिक्स बना बना के लर्न करो, की पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक्स किंग किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर जो भी हो गया, जीनस फैमिली जीनस स्पीशीज, तो ऐसे लर्न करो ना यार, निमोनिक्स बना बना के करो, चाइनीज रोडी चाइनीज लेडी ट्विस्टेड इन अ कॉटन ड्रेस, चाइनीज इज चाइना रोज, लेडी इज लेडी फिंगर, ट्विस्टेड इज ट्विस्टेड एस्टिवेशन इन अ कॉटन ड्रेस कॉटन में, तो यार निमोनिक्स से मॉर्फोलॉजी लर्न होगा, दैट्स द वे। अच्छा स्माइल ऑफ नेचर मैम, इरिटेशन कैसे कम करें? अभी ना कोई इरिटेशन कम नहीं हो सकती है, अभी तो यार इरिटेशन नहीं है, दिस शुड बी एंग्जाइटी यार, ब्रिंग इट ऑन, वो दिन आने वाला है जिसका था मुझे कब से इंतजार, कि मुझे करना था नीट से प्यार, कि मेरा होगा पेपर एकदम पार, तो यार ये इसके लिए तो हैप्पीनेस होनी चाहिए, इरिटेशन क्यों होगी यार? इरिटेशन तब हो सकती है कि तुम अगर पढ़ रहे हो और कोई तुम्हें इरिटेट कर रहा है, तो घर वाले ही होंगे ना यार। तो इस केस में मैं ये सजेस्ट करूंगी जिस टाइम पे पेरेंट्स अराउंड नहीं है तब पढ़ाई करो, या जिस टाइम मम्मी पापा सो गए तब पढ़ाई करो, या जब वो अवेलेबल नहीं है तब पढ़ाई करो, ठीक है। जस्ट टेक इट एज अ चैलेंज मैन, और कुछ नहीं है, ये चैलेंज है यार, और तो क्या ही है, ये नीट चैलेंज है ये। अच्छा ओके ओके, मैं क्वेश्चंस देख रही हूँ। मैम नीट में बबलिंग को कितना टाइम देना है मिनिमम? बबलिंग के लिए एक सजेशन दूंगी, जब भी नीट में क्वेश्चन करके आओगे ना, हर क्वेश्चन का आंसर तभी साथ में कर देना, नहीं तो कई बार ही हो जाता है बच्चों का, गलती हो जाता है पूरा, एक में गलत मार्क किया तो सब कुछ ही गलत करने चले जाएंगे। या तो अगर ऐसा भी कर सकते हो, अपने ही क्वेश्चन पेपर में आंसर मार्क करके रख लो, एंड में कर दो, ऐसा भी कर सकते हो, एक सेक्शन खत्म करके कर सकते हो, बायो खत्म किया फटाफट से उसकी बबलिंग करी। वैसे साइंटिफिकली बोलूं ना, साइंटिफिकली कहते हैं कि दिमाग ऑफ एंड ऑन स्टेज पे जाता है, इससे बेटर होता है कि बबलिंग एक साथ कर लेनी चाहिए, लेकिन सेक्शन वाइज चलना, बायो के बाद किया, बायो खत्म हुआ उसके बाद बबलिंग की, फिजिक्स खत्म हुआ उसके बाद बबलिंग की, ये नहीं कि पूरा चैप्टर पेपर खत्म हो गया अब वो पेपर छीनने वाला आ गया दो पेपर तुमको, नहीं मैं तो बबलिंग करूंगा, नहीं, ठीक है। या तो पूरा अपना बायो सेक्शन अटेम्प्ट किया, क्वेश्चंस मार्क कर दिए और एंड में लगा दिए, इसके 5 मिनट एकदम चीता की तरह सब खत्म हो जाएगा। हाय निवेदिता, हाय निवेदिता, हाय रॉकी बाय, आई एम गुड यार, गुड 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 गुड। तहरा उस पर आप रिलाई मत करो, तहुरा तबस्सुम कह रही कि मैम अन अकेडमी में 48 आवर, उसको छोड़ दो बेटा, मैंने अपनी चैनल पे जिसको आपने सब्सक्राइब किया होगा, अच्छा एक सेकेंड, जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, फ्री टेस्ट सीरीज लेकर आने वाली हूँ, मिस हो जाएगी, वीडियोस मिस हो जाएंगी, गलती मत करो यार, फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को लाइक कर दो, हिट कर दो। लाइक डिसलाइक करने के लिए कभी नहीं कहती हूँ, मैं कोई सेल्स नहीं कर रही हूँ, कुछ बेच नहीं रही हूँ यार, कोई कोर्स नहीं बेच रही, कुछ नहीं कर रही, सिंपल हेल्प है ये,
तो यार आप इसको जरूर बेल बटन को लाइक करके जाए, हिट करके जाए, लाइक डिसलाइक मर्जी है, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर दो यार, क्या दिक्कत है। हाय सुजीत, सुजीत हाय, हेलो फ्रॉम नेपाल, हाय स्वीट आर्ट, हेलो बेटा, ओके। अब क्वेश्चन 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 क्या आ रहा है, मैम एक बार मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस करा दो। अनम मिनाज बेटा, आपने मेरे ख्याल से शायद से ये नहीं देखा है, मेरे इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है राजे, मैंने बनाया हुआ है मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस इन 4 or 5 days। जेनेटिक्स तो मैंने सबसे पहले अपने चैनल पर कंप्लीट करवाया, तो प्लीज वो देखो, प्लेलिस्ट में है, चेकआउट द प्लेलिस्ट बेटा, आपको मिल जाएगा। अनम अनम मिनाज से बात की मैंने। ये अनिकेत कह रहे मैम जनरल का कट ऑफ 700+ जा रहा है मैम। अनिकेत इट डिपेंड्स आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, एम्स दिल्ली पे जाओगे तो 701 था लास्ट टाइम कट ऑफ, लेकिन एम्स ऋषिकेश में था 620 और एम्स भोपाल में था 610, ये लास्ट ईयर के कट ऑफ है मुझे याद है। तो सबका अलग अलग है बेटा, डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है, कॉलेज कौन सा है, कौन से कॉलेज से आप प्यार करते हो, किससे मिलने के लिए हो आप बेकरार, तो करेंगे उतनी ही हम मेहनत अपरंपार। ओके अच्छा आनंद क्या कह रही है, मैम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय फॉर्म सिग्नेचर इज नॉट डिस्प्लेड देयर, इज देयर समथिंग प्रॉब्लम इन योर फॉर्म, प्लीज टेल मी। अरुणा एक बार फिर से ट्राई करके देखो, रीलोड करके देखो, बाकी बच्चे भी बता सकते हैं। अनन्या अपना ये वाला जो है ना, किसी मेरी पोस्ट के बीच में कमेंट कर देना या टेलीग्राम में लिख देना, मैंने आप लोगों को अपने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है बच्चे, आप टेलीग्राम पे आपस में दोस्तों से भी बात कर सकते हो, क्या दिक्कत क्या है उसमें, तो आपको पता चल जाएगा इट इज नॉर्मल और नॉट। ओके कार्तिक राजा, कार्तिक राजा ने पूछा मैम हाउ टू रीड प्लांट किंगडम, गिव सम टिप्स। कार्तिक राजा द बेस्ट वे टू डू प्लांट किंगडम इज ओनली गो थ्रू एनसीईआरटी मैन, एनसीईआरटी से बाहर जाने का नहीं, कहीं नहीं जाने का, सिर्फ एनसीईआरटी करने का और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस करने का, सबकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस करे, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, इस पे क्वेश्चन 200% आना है, अगर प्लांट किंगडम से दो क्वेश्चन आएंगे एक इस पे आएगा, तो है वो टेबल जरूर कर लेना और सबकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कर ले। एंजियोस्पर्म को गोली मार दो नहीं पढ़ना, जिम्नो टेडो ब्रायो, ब्रायो टेडो के दोनों की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस डायग्राम, लाइफ साइकिल से सवाल नहीं आते, जिम्नोस्पर्म में कि एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ लेना, मैंने बहुत जल्दी जल्दी बोला है, थोड़ा सा पीछे करके देख लेना कोई दिक्कत नहीं है। एंडोस्पर्म 3N है कि 2N है कि N है, N होता है जिम्नोस्पर्म का और इट इज अ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, तो इसमें जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म पढ़ लो, ब्रायो टेडो के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ लो, एल्गी को पूरा ही करना, दैट्स द वे, और ओनली ओनली एनसीईआरटी, दैट्स इट। ठीक है फिर यार, बच्चे इतने सारे आ रहे हैं ना क्वेश्चंस के साथ, कृतिका मैम की स्पीड बढ़ गई, ठीक है मैं कर रही हूँ तो उससे आंसर, ठीक है आई एम हियर, नॉट गोइंग एनीवेयर बच्चों। ओके ओके आनंद, थैंक यू आनंद कह रहे हैं मैम आई यूज टू हेट प्लांट किंगडम बट आपके नोट्स की वजह से आई मेकिंग सेल्फ, ओके मेकिंग इट माई सेल्फ, अच्छा मैं खुद से बना रहा हूँ, लिटरली लविंग इट, क्यूट हाउस, बहुत बढ़िया 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 बहुत बढ़िया, ठीक है अच्छा। अनिकेत मैम हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें टारगेट चेस करने में मजा आ रहा है, अब स्ट्रगल नहीं लगता, अब मजा लगता है, क्या बात है अनिकेत ने कितनी अच्छी बात कही है कि मैम अब मुझे ये टारगेट नहीं लगता, मुझे इसको चेस करने में दिक्कत नहीं आती, मजा आ रहा है यार, फीलिंग यही होनी चाहिए यार, ये गेम की तरह है यार, फुटबॉल खेलने में क्या क्यों मजा आता है, अब यार तुम्हारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इतनी लंबी छलांग मारी, अब मैं तुमको बोलूंगा जाओ करो तुम्हें अच्छा लगेगा, नहीं तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है तुम क्यों करोगे, पर तुम्हारा नीट में तो होना चाहिए, कि नीट में भी नहीं है तो फिर गड़बड़ है ना। अच्छा फिर और क्या क्वेश्चन है, और क्या क्वेश्चन है। समीक्षा कह रही है मैम डिकोड सीरीज इज वेरी बेनिफिशियल, थैंक यू बेटा, क्वेश्चन। अच्छा आनंद कह रहे हैं मैम आप निमोनिक्स टेलीग्राम पे सेंड कर दो, निमोनिक्स बेटा मैं उसका एक अलग से लेक्चर ले लूंगी कि सारे चैप्टर्स के निमोनिक्स, मॉर्फोलॉजी कवर्ड बाय निमोनिक्स, जितने भी मेरे पास हैं सब तुमको दे दूंगी, ठीक है उसको हम ले आएंगे, ठीक है। अनम मिनाज मैंने आंसर दे दिया, हाउ मेनी टेस्ट, चिन्मय का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, चिन्मय कह रहे हैं कि मैम हाउ मेनी टेस्ट पर वीक, बेटा जब आपको लास्ट के 15 दिन रह जाएंगे आपको हर दिन में एक प्रीवियस ईयर तो लगाना ही है, मतलब 10 to 15 भी कह सकते हो, पर डे बोल रही हूँ, पर वीक नहीं बोल रहे, सॉरी दिल के डीप मेराइन सेडिमेंट से, सॉरी बच्चों मैं बोल रही थी हर दिन एक टेस्ट, लास्ट जब 10 दिन बच जाना तो हर दिन एक प्रीवियस ईयर टेस्ट लगा लेना आप, और प्रीवियस ईयर जो होगा वो लगाना 3 to 5 बजे के बीच में जब तुम्हारा नीट का एग्जाम होता है, ठीक है।
ठीक है, तब उस टाइम पे मैम हाउ टू प्रिवेंट ओवर थिंकिंग, ए शाहिदा बोल रहे मैम हाउ टू प्रिवेंट ओवर थिंकिंग बाय सॉल्विंग एमसीक्यूज एंड नॉट लीविंग योर माइंड इवन फॉर अ सिंगल नैनो सेकंड ऑक्यूपाइड एंड नॉट ऑक्यूपाइड एंड फ्री. अपने दिमाग को बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना है, सिर्फ एमसीक्यू में लग जाना, एमसीक्यू की दुनिया में ऐसे ऐसे कूद जाओ. मैं तो डूब गया, कहां डूब गया, एमसीक्यू की दुनिया में डूब गया. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगा लो यार, कुछ नहीं है तो अरिहंत के क्वेश्चन लगा दो, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा दो, इंटरनेट पे सब कुछ पड़ा हुआ है यार, नहीं तो मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना. दिमाग को खाली नहीं रखना है इस टाइम पे, सिर्फ सोते टाइम बस, और कुछ नहीं. ओके ए शाहिदा कह रही मैम आई वाज योर फर्स्ट सब्सक्राइबर, ओके डार्लिंग थैंक यू. हाय सुप्रकाश पात्रा, हाय बेटा. अच्छा एक बच्चा बोल रहा है मैम पलक कह रही मैम कॉकरोच अर्थवर्म करा दो. पलक बेटा मैं ना जोलॉजी वाली टीचर नहीं हूँ, मैं बॉटनी वाली टीचर हूँ, मेरा बॉटनी इज अ फोटे, कोर जोलॉजी मेरी नहीं है, ठीक है, ना मैंने यार कॉलेज में पढ़ी है ना मैंने पढ़ाया आकाश में कभी, पर जैसे बायोटेक नहीं, तुम्हारा ये हो गया जेनेटिक्स हो गया, ये मेरा है, जैसे मेन नहीं हो गया तुम्हारे एकदम ये ह्यूमन फिजियोलॉजी ये टाइप की, ये चीजें मैं नहीं कराती, सॉरी बेटा, ठीक है. ओके अनिकेत थैंक यू बेटा, थैंक यू. रॉकी भाई मैम एग्जाम्पल बार बार भूल जाता हूँ, क्या करूं प्लीज हेल्प मी. एग्जाम्पल के लिए निमोनिक्स ही है रॉकी भाई, और कोई तरीका नहीं है. एमजे स्टेटस एफजी मैम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करा दो डिटेल में प्लीज. डिटेल में यार अभी डिटेल में तो मैंने बहुत कुछ कराया राजे, बहुत कुछ कराया एमजे स्टेटस एचडी, मैंने तो बहुत सारी चीजें कराई है. मोनरा डिटेल में, फंजाई डिटेल में, क्या ही बच गया उसमें, प्रोटिस्टा बच गया एक, और क्या बच गया, वायरस बच गया. तो करा देंगे किस दिन, ये भी करा देंगे, कोई बात नहीं, क्या बड़ी बात है, ये भी करा देंगे, क्या दिक्कत है, ये भी करा देंगे. और क्या क्वेश्चन है, इज इट सुजीत यादव मैम मैं नेपाल से हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग फ्रॉम योर लेक्चर्स नोट, इज इट ओनली एनसीईआरटी इज नॉट अवेलेबल इन आवर कंट्री. सुजीत डाउनलोड भी नहीं हो रही है क्या, डाउनलोड तो होनी चाहिए, गूगल से देखो एनसीईआरटी डाउनलोड हो जाएगी, इफ इट इज नॉट अवेलेबल नो प्रॉब्लम, गो एंड डाउनलोड एनसीईआरटी फ्रॉम एनसीईआरटी का साइट, मिल जाएगी. नमस्ते गुड न्यूज, नमस्ते बेटा. नीतीश महाजन मैम मेरा 280 उम्र क्या 20 क्या लिखा है ये, अच्छा मैम मेरे 280 मार्क्स आ रहे हैं बायो में, हाउ टू इंक्रीज देम. नीतीश महाजन कभी भी बच्चे का अगर मार्क्स नहीं बढ़ रहा होता ना, रीजन एक ही होता है कि बच्चा अपना ना गलतियों को एनालाइज नहीं करता है. हम ये तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चंस करने जैसे घास खा रही होती, खाने लग जाएंगे क्वेश्चंस को, लेकिन यार पुराना जो आपने गलतियां की है क्या उसको एनालाइज किया है, क्या आपने देखा आप किस टाइप की गलतियां कर रहे हो, क्या कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया या फिर सिली मिस्टेक की. तो यार प्लीज 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 बच्चों गो एंड एनालाइज योर मिस्टेक्स, अगर आप एनालाइज करते हो मिस्टेक्स को तभी आपका स्कोर आगे बढ़ेगा, तभी आपके मार्क्स और अच्छे आएंगे. अगर आप एनालाइज ही नहीं कर रहे हो तो मतलब अपनी गलतियां ही नहीं देख रहे हो, तो मतलब स्कोर आगे नहीं बढ़ेगा, यही तरीका है. सिर्फ गलतियां अपनी इसी से जानोगे तभी स्कोर बढ़ेगा. अनन्या पांडे की हेल्प कर दो बच्चों, कब से पूछ रही है मैम मेरे 320 मार्क्स आए. ब्राउन मुंडे आपके ब्राउन मुंडे क्या करूं यार, नाम क्या लेकर आते हो तुम लोग ब्राउन मुंडे यार. ब्राउन मुंडे को हमें क्या बोलो यार. चलो बेटा मार्क्स तभी इंक्रीज होंगे जब आप अपनी गलतियों को एनालाइज करोगे, तभी होगा, ठीक है. मकवाना सतीश रो क्यों रहे बेटा. मैम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ करवा दो, ठीक है प्रेम सेल साइकिल कराना, मैंने यूनिट ऑफ लाइफ नहीं कराया, यूनिट ऑफ लाइफ करवा देती हूँ. भाविक मैम मैंने दो चार भाविक बेबले मैम मैंने दो चार क्वेश्चन पूछे, प्लीज बता दीजिए क्या क्वेश्चन है यार. मैम एमसीक्यू प्रैक्टिस करके एनालिसिस करके फिर थ्योरी करे तो बेनिफिशियल होगा. हाँ जी यस मी एवरीबॉडी, अभी का टाइम नहीं है थ्योरी पढ़ने का, अभी का टाइम है एमसीक्यू पहले करने का, फिर थ्योरी पढ़ने का, फिर जो क्वेश्चन नहीं आया उसको रिवाइज करने का, उसकी थ्योरी पढ़ने का, सब कुछ नहीं पढ़ना है, दैट्स ओनली वे बच्चों. कौशल सेन मैम आपका टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करना है. कुछ नहीं करना है कौशल, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं ट्यूसडे से लेकर आने वाली हूँ फ्री टेस्ट सीरीज, ठीक है. ओके एमजे स्टेटस करवा देंगे, लाइकन वायरस भी करवा देंगे बेटा. आसिफा मैम मॉर्फोलॉजी चैप्टर में दिक्कत आ रही है, तो मैं ऐसा करूंगी निमोनिक्स का एक क्लास ले लेते हैं जिसपे आपको सिर्फ निमोनिक्स दे दूंगी, जो भी मेरे को जितने मैंने बनाए हैं वो सब आपको दे देंगे, आई एम श्योर आपको हेल्प मिल जाएगी. तनवीर शेख कुछ नहीं करना है यार,
कुछ नहीं करना है, सिर्फ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, फ्री कंटेंट, फ्री ऑफ कंटेंट, ये अरे हेल्प है, ये मेरे को कोई कोर्स थोड़ी बेचना है। ओके 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 फॉल्को मैम मेरा फिजिक्स में सबसे बड़ा दुश्मन है, इसमें 100 क्रॉस नहीं होता, इस वजह से 6 क्रॉस नहीं हो रहा। फॉल्को रोसो इसके लिए तो यार वही वाली बात है, तुम्हारे फिजिक्स के चैप्टर्स देखो कौन कौन से, इसमें यार फिजिक्स वाले सर से थोड़ी और बात करो ना, है ना, तो केमिस्ट्री को पुश कर दो, अगर फिजिक्स नहीं हो रही है पुश तो केमिस्ट्री पुश कर दो यार, केमिस्ट्री विल हेल्प, वो 600 पार करा देगी, क्या दिक्कत है। केमिस्ट्री पे करो अगर नहीं बन रहा फिजिक्स, फिजिक्स क्यों नहीं बन रहा है, कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है, क्या दिक्कत क्या है, ये एनालाइज तो करो ना पहले कि क्यों नहीं हो रही फिजिक्स, इज द कैलकुलेशन विच इज हर्टफुल जो नहीं करने दे रहा, आगे नहीं बढ़ने दे रहा या क्या। ठीक है मैम, कैसे एकदम माइंड कॉन्सेंट्रेट करे, बाय प्रैक्टिसिंग कॉन्सेंट्रेशन, जो चीज हम प्रैक्टिस करते हैं उसी में एक्सपर्ट होते हैं। अगर हम 5 मिनट में फोन देख रहे हैं, 5 मिनट में इंस्टाग्राम चला रहे हैं, तो हम नॉट फोकसिंग को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम उसी में एक्सपर्ट हो जाएंगे। मम्मी बोलेगी ये सामान इधर रख दो, आधा सामान रखोगे आधा नहीं रखोगे, क्योंकि अटेंशन स्पैन ही खत्म हो गया ना। तो यार प्रैक्टिस अगर फोकस करना करोगे तो ये भी डेवलप हो जाएगा। सो बेहतरीन होगा कि जब आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने मोबाइल को चार्जिंग पे छोड़ दो, बंद कर दो, कि सिर्फ एक ही चीज चले, मल्टीटास्किंग नहीं करनी, सिंगल टास्किंग करनी है। भाविक मैम जेनेटिक्स करा दो, बेटा मैंने करा दिया है यार, अच्छा थोड़ा सा भले ही, अच्छा ठीक है वन शॉट ले आएंगे फिर, ठीक है कोई नहीं। सिंधु राठौर मैम डीमोटिवेटेड हो गई हूँ, क्यों सिंधु राठौर यार, अभी तो यार एक मिनट मेरी बात सुनो, जितने भी बच्चे मुझे बोल रहे हैं मैम मैं डीमोटिवेटेड हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं पागल हो गई हूँ या पागल हो गया हूँ, यार ऑलरेडी तो तुम दुख में हो, कम से कम इस दुख का फायदा तो उठाओ, ऑलरेडी इतना पेन झेल चुके हो, नाउ मेक सम यूज ऑफ दिस पेन, ये टाइम थोड़ी कि दुखी भी हो और छोड़ भी दोगे, अब दुखी तो हो, इससे बुरा तो कुछ हो नहीं सकता, स्ट्रेस तो चल ही रहा है, उससे बुरा तो कुछ हो नहीं सकता, तो कम से कम इसका फायदा ही उठा लो। तो जैसे तुम्हारे दिमाग में ना मैं डीमोटिवेटेड हूँ, तो ऐसे अपने आप को याद दिलाना कि डीमोटिवेटेड हूँ तो अब कुछ तो कर नहीं सकता हूँ, लेट्स टेक एन एडवांटेज ऑफ बीइंग डीमोटिवेटेड, लेट मी लर्न देन ओनली, पढ़ ही लेता हूँ, ठीक है। अभी यार अभी ये सारी चीजें सोचने का टाइम नहीं है सिंधु राठौर, इस टाइम पे टाइम है सिर्फ एमसीक्यू लगाने का। मम्मी आ गई क्या, एमसीक्यू हो गए क्या, बस ये चलना चाहिए दिमाग में और कुछ नहीं, दुख मनाने के लिए, डीमोटिवेशन के लिए हमारे पास पूरा जीवन पड़ा है यार ये सब करने के लिए, एक ही महीने पहले तुम्हें सब याद आ रहा है क्या, अब भी कर लोगे क्या सारा डीमोटिवेशन वाली कहानी, उसको रखो बाद के लिए, बाद में देखेंगे, क्या पता जरूरत ही ना पड़े। सुजाता मैम एनाटॉमी में बहुत कंफ्यूजन होता है, क्या कंफ्यूजन होता है यार, एनाटॉमी को भी मैं अपने चैनल पे करा देती हूँ फिर, वैसे मैंने अन अकेडमी नीट पे पढ़ाया था, अच्छा पढ़ाया था मैंने वो 3-4 दिनों में एनाटॉमी, अच्छा था वो, पर उसके थ्रू डिफरेंस के थ्रू कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर आप कहते हो तो यहां भी देख लेंगे। फॉल्को तो यार एक बार ही अपने फिजिक्स वाले सर से और बात करो, क्वेश्चन से पता नहीं चलता कि कैसे स्टार्ट कर होगा फिजिक्स में, मैम एमएमएससी जाना है, कैसे फिजिक्स ड्रॉप कर दूं, नहीं ड्रॉप तो करना नहीं है, ड्रॉप तो क्यों ही करेंगे हम यार, ड्रॉप करने के लिए थोड़ी बने हैं। फॉल्को एक बार ही बात करो अपने फिजिक्स वाले सर से, कोई तो होगा जिससे तुम्हारी बात होती होगी, और कोई नहीं होगा तो कोई ऐसा दोस्त तो होगा जो तुमसे थोड़ा सा इंटेलिजेंट होगा मार्जिनली, या जिसकी फिजिक्स अच्छी होगी चाहे बायो गंदी होगी, तो उससे तो बात करो कि भाई तू कैसे कर रहा है, तेरे कैसे हो रहा है, पर ज्यादा लंबी बातें नहीं करनी की बात ही करते रह गए, अभी तक तो ये फिगर आउट हो जाना चाहिए था फॉल्को, वैसे इतना टाइम मिला। एमजे स्टेटस अभी तक नहीं पढ़ाया बायोमोलिक्यूल्स, पर हो सकता आगे पढ़ा दूं। रितिशा कह रही है मैम आप 2022 के लिए स्टूडेंट कब से स्टार्ट करोगे क्लास, रितिशा तो मैं ये बस वेट कर रही हूँ इनका ये हो जाए नीट 2021, सितंबर ऑनवर्ड्स आई शुड बी स्टार्टिंग, वैसे भी मैं बीच बीच में लेती रहती हूँ यार, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, तो ऐसे कोई सीरीज ले आऊंगी एनाटॉमी वाली सीरीज 4 दिनों की, या तुम वायरस लाइकन्स रह गए वो पूरा, तो ऐसे मैं ना डेज में पढ़ाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक आपको आइडिया दे दूंगी भाई 3 दिनों में ये हो जाएगा तो इतना कर लो, तो वो फिर जिसको अच्छा लगे वो उसको फॉलो कर सकता है, चाहे वो 12th का बच्चा है चाहे नीट का है।
है, कोई फ्रेंड नहीं है? फॉल करोसो कह रहे कि मैम आई एम अलोन, तो सर से बात कर सकते हो? फॉल करोसो, कैन यू स्पीक टू सम टीचर जो तुम्हारी पर्सनली प्रॉब्लम को एड्रेस करे, नॉट टू सम यूट्यूब वीडियो. यूट्यूब वीडियो पर्सनल नहीं होगा तुम्हारे लिए ना, एक पर्सनल पर्सनल टच है किसी के साथ. इरम कह रही है मैम एनाटॉमी समझ नहीं आ रही, कैसे करूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दो. इरम सबसे अच्छा तरीका होगा बच्चे अगर आप ना डिफरेंस की फॉर्म में करो, डाइकॉट स्टेम जो पढ़ो साथ ही में मोनोकॉट स्टेम को पढ़ो. जब ही जब रूट पढ़ रहे हो डाइकॉट रूट, तभी मोनोकॉट रूट पढ़ो, तो डिफरेंस की फॉर्म में करोगे सब आसान हो जाएगा. ठीक है, वाइवेशियस हाय बेटा. अच्छा चलो मेरे को ये बताओ. अच्छा अभी हमसे पूछा था मंत्रा ने पूछा था शायद से कि मैम हाउ अबाउट द इम्पॉर्टेंट स्टडी पैटर्न, पूछा था बच्चों ने. तो दैट इज अ लास्ट थिंग आई थिंक आई शुड बी टेकिंग, बाकी तुम्हारी मर्जी है बच्चों. वन सेकेंड. एक मिनट, यहीं पर हूं मैं, ठीक है, कहीं नहीं जानेगा. मैं जरा तुम्हें एक मिनट की हेल्प कर देती हूँ, एक सेकेंड देना बच्चों, आई एम हियर. बच्चों आपने मेरे से पूछा ना कि मैम इसको इसको कैसे करेंगे. समबडी आस्क्ड मी कि मैम पहले, हाँ आपसे प्रॉब्लम शेयर करता हूँ, थैंक्स बायो में आपको. यार फिजिक्स में कोई तो होना चाहिए, ऐसे कैसे चलेगा यार. हाँ जी, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैम कैसे करने हैं. यार मेरी वीडियो आ रही है कि नहीं आ रही है? थिंक आई शुड बी विजिबल. हाँ मैम कहीं नहीं जाने का. हाँ नहीं कहीं नहीं जाने का, यहीं पर हूँ, यहीं पर हूँ बेटा, यहीं पे हूँ. सुनो सबसे पहले अभी मुझसे किसी ने पूछा था कि मैम स्टडी पैटर्न क्या होना चाहिए. इधर देखो यार, सारे बच्चे ध्यान दो, स्टडी पैटर्न क्या होना चाहिए अभी 40 दिनों के अंदर. तो मैं आपको पहले बच्चों सुनो, स्टडी पैटर्न के बारे में आपने मुझसे पूछा कि क्या होना चाहिए इन 40 डेज. तो आपको मैं स्टडी पैटर्न के बारे में एक ही चीज बोलूंगी कि यार अगर 40 दिन ऑलमोस्ट रह गए हैं, ठीक है, तो तुम्हें ना हर दिन एवरी डे स्टडी फॉर एटलीस्ट 9 आवर्स. जी हाँ बच्चों, 9 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, 9 आवर्स पढ़ना पड़ेगा तुम्हें. ये मैं बात कर रही हूँ नीट 2021 वालों की, ठीक है. इतने 9 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो ये हो जाते हैं कुछ 360 आवर्स जैसे बन जाते हैं, ठीक है. इतने मतलब तुम मान के चलो कि 9 घंटे से कम में खत्म नहीं करनी अपनी जिंदगी. तो अब 9 घंटे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है तुम्हारी मर्जी है. तुम ऐसा भी कर सकते हो कि तुम एक दिन में 4 चीजें पढ़ो, हो सकता है तुम फिजिक्स भी पढ़ो, हो सकता है तुम केमिस्ट्री भी पढ़ो, हो सकता है तुम बॉटनी भी करो, हो सकता है तुम जूलॉजी भी करो, तुम्हारी मर्जी है, सब कुछ तुम्हारी मर्जी है. हाँ रूटीन ही बता रही हूँ बेटा. ताहिरा तो आ जाएगा, वो भी आ जाएगा. मेरी बात सुनो बच्चों, स्टडी पैटर्न की बात करें तो हो सकता है 9 आवर्स में तुम ये चारों सब्जेक्ट्स करो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है. या हो सकता है, तुम्हारी मर्जी है. मैं वैसे सजेस्ट करती हूँ कि 3 तो करने ही चाहिए, 2 नहीं बल्कि 3 तो करने ही चाहिए, ठीक है. तो आप फिजिक्स ले लो, फिर उसके बाद आपने बॉटनी ले ली, केमिस्ट्री ले ली, ऐसा भी कर सकते हो. या फिर तुम इसका उल्टा भी कर सकते हो, फिजिक्स तो पढ़नी पढ़नी है, जूलॉजी ले ली और तुमने केमिस्ट्री ले ली, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो. ऐसे चलते हो तो 4.5 आवर्स हर एक लेक्चर के लिए होगा, 4.5 आवर्स हर एक क्लास के लिए होगी. इतना तो नहीं, 4.5 नहीं, कितना होगा ये, इसको तुम डिवाइड कर सकते हो. तो कितना हो जाएगा, 9 घंटे को डिवाइड करना है 4 में. तो डिपेंड करता है तुम्हें कैसे किस किस को करना है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को. तो तुम डिवाइड करके देखो कितने कितने बन जाएंगे यार. ऑलमोस्ट तुम्हें 2.5 घंटा सबको देना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 2.5 घंटा, ठीक है, ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स हर एक सब्जेक्ट को देने पड़ेंगे, एवरी सब्जेक्ट. अगर तुम क्या कर रहे हो,
ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहे हो, अब तुम्हारी मर्जी है यार, तुम ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो, 4 घंटे इसको पढ़ा, 4 आवर फिजिक्स पढ़ा, 3 घंटे इसको पढ़ा, 3 घंटे केमिस्ट्री को पढ़ा, और बॉटनी को पढ़ लिया तुमने 2 घंटे, ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। सेम स्टोरी, 4 आवर्स इसको कर लो, 3 आवर्स इसको कर लो, जूलॉजी को कर लो 2 आवर्स, मतलब ये मैं सजेस्ट कर रही हूँ। इसको कैसे चेंज वेंज करना है वो तुम्हारी अपनी मर्जी है, इसको चेंज कैसे करना है वो तुमको अपनी मर्जी है, ठीक है? तो ये तुम्हारी मर्जी है, ये एक आपका प्लान होना चाहिए। अभी फिलहाल 9 घंटे हर दिन पढ़ना है भाई। अब सवाल ये आता है कि मैम अब करना कैसे, इसको फर्दर कैसे करें? तो मैम मैं बच्चों मैं इसमें ये समझाऊंगी आपको कि आप क्या कर सकते हैं। जैसे मान लो फिजिक्स ही करने बैठे हो, 4 घंटे की फिजिक्स कर रहे हो, ठीक है, फिजिक्स कर रहे हो, तो यार इस 4 घंटे में तुम्हारे को प्रॉपरली अपना टाइम देना पड़ेगा। एक सेकेंड, लेट मी कम टू नेक्स्ट पेज। इसमें तुमको क्या क्या करना है यार, टाइम क्यों नहीं चल रहा, बच्चे इसमें तुम्हारा थ्योरी भी होगा यार। मैं फॉर बॉटनी बोलूंगी यार, मैं बायोलॉजी बोल रही हूँ, ठीक है, मैं बायोलॉजी की बात करती हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में तुम ज्यादा स्मार्ट हो, ठीक है। फॉर बायोलॉजी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, इस टाइम पे सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, फ्रॉम इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है, ठीक है। अब ये वाली भी बात हो गई कि मैम हम इंटेलिजेंट ज्यादा है, मैम पेपर पैटर्न भी बता रहे, बता रही हूँ बेटा, एक सेकेंड मेरी बात सुनो बेटा, स्टार्ट फ्रॉम इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब इसमें भी आप ना 2 टाइप के बच्चे हो सकते हो कि आप कति जहर बच्चे हो, ठीक है, यानी कि हो सकते है तुम हो एकदम ही टॉपर कैटेगरी वाले, हो सकते हो तुम ये हो, या हो सकता है तुम हसलर्स हो, ठीक है, कि तुम्हारे को अभी स्ट्रगल करनी है भैया ज्यादा, हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए बहुत है, टॉपर हो तब अलग स्ट्रैटेजी होगी। अगर तुम हसलर हो, तुम्हें चाहिए कि बस सिलेक्शन हो जाए किस तरीके से, तो मैं तुम्हें यही बोलूंगी पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करें, इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले करें, ठीक है, ये खत्म कर लो, उसके बाद जो टाइम बच जाए उसको सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग चैप्टर्स को कैसे करना है भाई, रिमेनिंग चैप्टर को एनसीईआरटी ओवरव्यू, एनसीईआरटी ओवरव्यू करना है, ठीक है। और अगर तुम टॉपर ही बच्चे हो तब तो तुम्हें सब कुछ करना है, लेकिन फिर भी स्टार्ट फ्रॉम इंपॉर्टेंट का मतलब स्कोरिंग चैप्टर इधर से स्टार्ट करो, और बाद में डेप्थ स्टडी किसकी करो तुम, रिमेनिंग की। बस ये डिफरेंस है यार, टॉपर और हसलर में यही डिफरेंस रहेगा। तुमको क्या करना है, इंपॉर्टेंट से स्टार्ट करना है, लेकिन इसको सिर्फ ऊपर ऊपर से सरफेस लेवल पढ़ना है, कि भाई रीडिंग ले ली कि कोई ऐसा वर्ड हो जो सामने से गुजर जाए, हो सकता है तुमसे ये पूछ ले कि अगार अगार कहां से मिला, ये लाइन तुमने अगर देख भी लोगे कि रेड एल्गी से मिलता, हो सकता है ऐसा हो जाए कुछ, तो सरफेस लेवल रीडिंग ले लो, इतना भी तुम्हारे लिए काफी है, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया कि भैया तुम दोनों की कैटेगरी में क्या करना है तुम्हें। अब सवाल आता है कि मैम इंपॉर्टेंट कौन से है, मैं इंपॉर्टेंट तुम्हें सारे ही बता दूंगी, मैं बॉटनी के पहले बता रही हूँ। सबसे ज्यादा यार पहले सेल बायोलॉजी पे अटैक किया जाए, इसको जरूर करा जाए, सेल बायोलॉजी पहले करी जाए, सेल बायोलॉजी के बाद आप करेंगे रिप्रोडक्शन यूनिट करो पूरा, ठीक है, रिप्रोडक्शन यूनिट के बाद आप करेंगे मॉर्फो नहीं, पहले आप जेनेटिक्स कर लोगे दोनों चैप्टर्स, मेंडल वाला भी और मॉल बायो वाला भी, मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, माइंड नहीं करना, मेंडल मॉल बायो दोनों वाले। फिर उसके बाद तुम बहुत अच्छे से करोगे इकोलॉजी बहुत अच्छा है इसको, बच्चे बहुत मस्त है ये, 30 से 40 नंबर देता है इकोलॉजी को, बहुत अच्छे से करके जाना। फिर है तुम्हारा इकोलॉजी के बाद तुम आ सकते हो प्लांट फिजियो के कौन से चैप्टर, यार सबसे पहले तुम करना प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वाला, जरूर क्वेश्चन आएगा। फिर आ जाना तुम रेस्पिरेशन पर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, फिर आ जाना फोटोसिंथेसिस पर, फिर आ जाना तुम, फिर मिनरल न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्ट बाद में छोड़ देना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। 6th देन यू शुड गो फॉर मॉर्फो। 7th इज एनाटमी, ये सीक्वेंस दे रही हूँ, एनाटमी से भी कम क्वेश्चन आते हैं। फिर आ गया तुम्हारा मिनरल न्यूट्रिशन, मिनरल के बाद आ गया तुम्हारा ट्रांसपोर्ट, से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट है, मेरे पास जगह ही नहीं बची, करवा तो मैं सारे ही रही हूँ,
बता तो मैं सारे रही हूँ, तो मेन मेन जो है ना एनाटमी तक आप मॉर्फो मॉर्फो तक मान लो ये सारे मेन है, मॉर्फो मॉर्फो तक मान के चलो ये सारे मेन चैप्टर्स है यार। इसके बाद जो रह जाते हैं, इसके बाद जो भी है वो पेंडिंग है, वो सब बराबर बराबर सही है, एक दो क्वेश्चन देखे जाते हैं, पर पहले यार इनको निपटा लेना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकियों की एनसीईआरटी रीडिंग लगा लो, स्ट्रैटेजीज बच गया, मिनरल न्यूट्रिशन बच गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मगर मेहनत बहुत लेता है। ठीक है, तो यार यही है मुझे कहना। ठीक है, दिस इज ऑल आई हैव टू से राइट नाउ। बाकी जो बच गए चैप्टर्स, जैसे तुम्हारा रह गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है, इसको एनसीईआरटी खत्म करना है, एनसीईआरटी से करना है, लेकिन इसमें वायरस जरूर पढ़ लेना, सवाल वहां से आएगा, ठीक है जी। और फिर है प्लांट किंगडम, इसको तो एंड में पढ़ना सारा, इसको एंड में पढ़ना, इससे पहले अगर पढ़ना होगा तो मिनरल न्यूट्रिशन कर लेना यार, मिनरल कर लेना, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और अंत में तुम कर सकते हो प्लांट किंगडम, और अंत में सबसे अंत में कर सकते हो लिविंग वर्ल्ड, सबसे पहला है लेकिन सबसे एंड में करना है। मैंने आपको बॉटनी का बता दिया, जूलॉजी का भी मैं आपको दे दूंगी टेलीग्राम पे, ठीक है। तो यार ये तरीका है, ये आपके जो है ये सरफेस लेवल कर लो, इनकी एनसीईआरटी रीडिंग कर लो, एनसीईआरटी रीडिंग कर लो, ठीक है, एक एक बारी पढ़ लिया, फिर ट्वेल्थ क्लास से स्ट्रैटेजीज आ गया, ये वाला भी आ गया, माइक्रोब्स आ गया, इससे ज्यादा सवाल नहीं आते, इनसे ज्यादा सवाल नहीं आगे, ये एनसीईआरटी रीडिंग है, ठीक है। इकोसिस्टम नहीं है, किलर जैक इकोलॉजी में सारा चला गया, इकोसिस्टम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैम तहुरा तबसुम कह रही है, मैम मेरा क्लास 11th पूरा बेकार गया है, मुझे कुछ मैं कुछ नहीं पढ़ी, स्टार्टिंग 12th क्लास के चैप्टर स्टार्ट करूं तो मैं कैसे कवर करूं? तहुरा मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, अभी आपके पास अगर आपने 11th ढंग से नहीं पढ़ी है तो कोशिश यही करें कि 11th क्लास के जो मेजर चैप्टर्स है उसको बेटा आप पहले एनसीईआरटी से करें, ठीक है, पहले एनसीईआरटी से थोड़ी सी पढ़ाई करो, फिर उनके क्वेश्चंस करो, आपका आंसर दे रही हूँ, पहले एनसीईआरटी करो, फिर क्वेश्चंस करो, फिर जो नहीं आया उसको दोबारा से पढ़ो, एटलीस्ट पिकअप विद द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। बेटा मैंने यही तो समझाया ना, अगर आप हसलर हो कि यार 11th हिली हुई है, 12th ही करनी है, अब 12th से भरोसा है, तो आपको 12th खत्म करने के बाद 11th पे आ जाओ, पर स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फर्स्ट, इनको पहले करना यार, ये पहले काम की चीज है। बाय वेशिस मैम, डेली क्वेश्चंस कितने लगाने हैं वो भी बता दो डेली। यार मेरे को तो लगता है इस टाइम पे कोई भी चैप्टर को आपको ना पढ़ना ही नहीं चाहिए वहां से, आई मीन थ्योरी तो किसी की भी नहीं पढ़नी चाहिए इस टाइम पे, तो सिर्फ तुम्हारा टाइम है कि तुम खेलो क्वेश्चंस पे, कितने भी करो यार, डिपेंड करता है। अच्छा ये भी डिपेंड करता है वाइवेशियस कि कौन सा चैप्टर कर रहे हो, जैसे जेनेटिक्स हो गया, जेनेटिक्स में अगर आप 300 क्वेश्चंस लगा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा आने हैं, 300-400 अगर तुम लगा रहे हो बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन लिविंग वर्ल्ड पे 300 क्वेश्चन करने की तुक नहीं बनती। सो डिपेंड करता है आप कौन से चैप्टर की बात कर रहे हो, ठीक है। मैम कैन यू टेल अ प्लान फॉर 2022? बच्चों मैं ना ऐसा करती हूँ, मालिनी एंड अदर्स भाविक भी कह रहे हैं कि मैम बाकियों से बताओ 2022-2023। यार मैं इसके ना वीडियोस बना दूंगी, अभी मैं ये जो नी 2020 वाले हैं ना बच्चे बेचारे जो घबराए हुए हैं उनको मैं ये थोड़ा ज्यादा उनके साथ दे रही हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं आपसे प्यार नहीं करती और आपको मैं एकदम ही भूल गई हूँ, आपके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, स्पेसिफिकली स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर क्लास 11th, कैसे 11th क्लास को एकदम सही तरीके से स्टार्ट किया जाए कि हम लास्ट तक अच्छा करें, कैसे 12th वालों को स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, दैट आई विल मेक सेपरेट वीडियोस। अभी जो है हम एंग्जाइटी ले रहे हैं तुम्हारी, मेरे को आप अपनी एंग्जाइटी दे दो प्रतिका नाम को अपनी एंग्जाइटी पढ़ाई से रिलेटेड। हाय अनन्या, हे बेटा, हाँ जी राजीव, चलो कोशिश करेंगे। मेहुल, हाय मेहुल स्वीटी, कहाँ थे आप, तुम किसी क्लास से, चलो ठीक है, प्लीज चेक माई डीएम ऑन इंस्टा, ओके अनन्या आपका डीएम, हाँ जी बच्चों आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्टेड हो सकते हैं, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, नोट्स वहीं पे मिलते हैं भाई, नोट्स वहीं पे शेयर होते हैं, फ्री टेस्ट जो भी लाऊंगी वो भी उधर शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम हैंडल तनु, टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के लिंक में होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। शुभजीत मैम एनसीईआरटी लाइंस याद नहीं हो रही, तो बेटा नीट फैक्ट्स देखो, मैंने फैक्ट्स लाई हूँ नीट फैक्ट विद कृतिका मैम, उसमें मैंने एनसीईआरटी की लाइन भी लिखी है पैराग्राफ्स के साथ साथ,
एनसीईआरटी का लाइन पैराग्राफ, तो फैक्ट भी है, थोड़ा सा लव डेवलप होना चाहिए फिर ही हो पाएगा। हिलाल मलिक मैम हैप्पी फ्रेंडशिप डे, थैंक यू बेटा, थैंक यू। मालिनी मैम माइक्रोब्स के नोट्स नहीं है, ठीक है करवाते हैं, करवाते जो रह गया है हम करवाएंगे, टेंशन मत लो बच्चों, सब मिलेगा। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से हमने कर ली काफी चिट चैट, काफी बातचीत हो गई है। आई होप आपकी थोड़ी सी घबराहट कम हुई होगी, अपनी थोड़ा सा हल्का महसूस कर रहे होंगे। वाइवेशियस मैम, आकाश या एलन का मॉड्यूल से एमसीक्यू करूं क्या अब? हाँ हाँ कोई भी चलेगा, आकाश का भी, आकाश में बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, एलन के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं। आकाश वाले थोड़े टफ बनाते हैं, एलन वाले थोड़े नीट रिलेटेड ज्यादा बनाते हैं, तो दोनों का अपना है। आकाश में हम ये सोचते थे कि जब क्वेश्चंस बनाते तो बच्चा इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन देख ले कि उसके एक कॉन्सेप्ट में, एक क्वेश्चन में इतने सारे कॉन्सेप्ट लगे हों कि नीट में उसको क्वेश्चन हलवा लगे। और एलन में क्या है, वो ज्यादा नीट रिलेटेड बनाते हैं, जैसे नीट में क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। अब मकवाना सतीश मैम, एमसीक्यू गलत हो रहा है। मकवाना एक बारी मैं फिर से बोलूंगी, चेक करो कि क्या गलतियां क्यों हो रही है, सिली मिस्टेक्स की वजह से या कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा है। कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो आराम से प्यार से नोट्स बनाओ और कॉन्सेप्ट बनाओ, फिर एमसीक्यू करो। आधी तैयारी से एमसीक्यू करोगे तब भी गलत होगा, पहले तैयारी तो पूरी होनी चाहिए, पढ़ना तो पूरा चाहिए, पहले पढ़ लो, तैयारी करो, फिर क्वेश्चन करो, आधी तैयारी में नहीं छलांग मारनी। अमर पनवर मैम, एनसीईआरटी सीरीज लाई है। डार्लिंग मैंने जो वन शॉट कराया है ना, दैट इज एनसीईआरटी सीरीज ओनली, एनसीईआरटी के सारे पैराग्राफ्स लेकर आई, कल एनवायरमेंटल इश्यूज करेंगे, ठीक है। किलर जैक मैम, आपके साथ क्वेश्चंस करके जिंदगी का मजा ही मजा। और हेलो बच्चों, हाय गाइस, देयर वाज अ लिटिल ड्रॉप इन द फ्रेम। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? हाँ जी, लैग आ गया। हाँ जी बच्चों, तो यार थोड़ा सा इंटरनेट वो हो गया था, डाउन हो गया था, तो मैंने बताया ना जब कभी भी इंटरनेट जाता है तो वो दूसरे पे आते हुए थोड़ा सा टाइम लेता है, तो फ्यू नैनो सेकंड में मैं वापस आ जाती हूँ। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से हमने काफी बातें कर ली। नीट यूजी मोटिवेशन मैम, माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस क्यों है? नीट यूजी मोटिवेशन बच्चे, यही नाम रखा तो यही लूंगी ना, सेमी ऑटोनोमस इसलिए है, टोटली ऑटोनोमस, ऑटोनोमस का मतलब हुआ इंडिपेंडेंट, टोटली इंडिपेंडेंट इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ चीजों के लिए इट इज डिपेंडेंट ऑन न्यूक्लियस कुछ प्रोटीन्स के लिए, बट अदरवाइज इसके पास सब कुछ खुद का है, जैसे कि खुद का डीएनए, एबिलिटी टू रेप्लिकेट बाय बाइनरी फिशन, रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन, तो भी और राइबोसोम्स भी है, सब कुछ खुद कर सकता है, तो ये ऑटोनोमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, पर ये एकदम ही इंडिपेंडेंट नहीं है, ये सेमी ऑटोनोमस है क्योंकि इसको कुछ चीजों के लिए, कुछ तुच्छ चीजों के लिए इसको न्यूक्लियस की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। हाँ जी चले बच्चों, ठीक है, हम लोग दोबारा और मिलेंगे, आई थिंक यस, ओके भाविक भावी, ओके ओके, वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टूडेंट भव्या, भव्या लॉट्स ऑफ लव बच्चे, ठीक है। तो आई थिंक बच्चों अभी आई विल टेक अ लीव, मेरे ख्याल से मैंने सबके क्वेश्चंस का आंसर कर दिया है, और मिलते हैं कल, मिलते हैं कल एनवायरमेंटल इश्यूज को खत्म करेंगे, और बस बच्चों दैट्स ऑल, हैप्पी फ्रेंडशिप डे वंस अगेन, एंजॉय योर लाइफ, गेट सराउंडेड विद राइट काइंड ऑफ फ्रेंड्स, है ना, जो पुश करे आपको, ना कि नीचे पुल बैक करे, है ना। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी, कल मिलते हैं, अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट बच्चों। सृजन मैम बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ा दीजिए, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सृजन, मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है यूट्यूब पर, अगर आप कहते हो तो करेंगे, ठीक है। ओके शाहिद, हाय शाहिद, वारे ठीक पढ़, ओके मैम आपकी वजह से जिंदगी में कोई टेंशन नहीं। अरे वाह किलर जैक, को देखो देखा, पॉल को कह रहा है कि मैम थैंक्स, पॉल को लेके मेरे को तेरी टेंशन हो गई, पॉल को फिजिक्स का क्या करेंगे यार, किससे बात करोगे तुम यार, क्योंकि अभी तो डू एंड डाई सिचुएशन है, अभी पता है तुम्हारा क्या कंडीशन है, तुम्हें पता चल गया कि बॉम्ब है, उसको डिफ्यूज कैसे करना है तुम्हें ये नहीं पता चल रहा है, तुम्हें अगर ये पता चल जाए ना कि राइट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए फिजिक्स का न्यूमेरिकल करते हुए, तो तुम्हारी रैंक बढ़ सकती है ना, तो यार मुझे टेंशन रहेगी तुम्हारी, पॉल को कैसे सही करोगे इसे। फ्यूसिस ट्यूटोरियल मैम, 12th करा दो प्लीज, करवा देंगे बेटा, कुछ कुछ तो करवा ही दिया है,
बाकी भी करवाएंगे, टेंशन मत लो, आई एम हियर। फ्यूसेस पढ़ लिया मैंने आपका मैसेज। सलाम वालेकुम बच्चों, सलाम वालेकुम। मैम एनसीईआरटी एनएफ है ना, नीड यूजी मोटिवेशन चाहिए? नहीं यार, एनसीईआरटी एनएफ नहीं है। एनसीईआरटी में इतनी बातें गागर में सागर डाल देती है ना, वो क्या करती है, छोटी सी बात में बड़ी चीज लिख देती है। एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट को अगर आप कर पा रहे हो तभी वो सफिशियंट है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके देखना, पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी बुक ने क्या एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को आंसर किया है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर सॉल्व हो रही है तो मतलब ठीक जा रहे हो, पर काफी नहीं है, आपको बियॉन्ड मीनिंग्स पता होने चाहिए क्या है। कभी पूछो जरा उससे, नो टॉपर से, वो बोलेगा कभी कि मैं सिर्फ एनसीईआरटी काफी है? नहीं, एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत बारी करनी है, प्लस उसकी इनडेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है मैम, बस जिस दिन मिल जाएंगे बस उस दिन फोड़ देंगे नीट, और मेहनत करूंगा, करनी ही है। फॉल को हमारे पास स्कोप क्या है अभी, बिना मेहनत के लग जाओ यार और फिगर आउट करो कि कैसे सॉल्व कर सकते हो। हाई स्टार विजन टेक, हेलो बेटा। अच्छा सृजन, ओके सुन लिया मैंने, कह रहा है मैम हियर आई एम हिट्स डिफरेंट, तो ऑब्वियसली यार आई एम हियर फॉर यू, और किसके लिए हूं मैं यार, तो हम हैं यार तुम्हारे साथ है, कोई तुम अकेले नहीं हो इस जंग में। स्टार विजन मैम, क्या पीसीएमबी ऑप्ट करूं? तुम्हें प्यार है पीसीएमबी से, किससे है तुम्हें? मैथ से, मैथ का क्वेश्चन करने के बाद वो एक डोपामिन रश आता है, या बायोलॉजी के फैक्ट्स जान के अलग से खुशी होती है? इसको थोड़ा सा सोचना, आंसर तुम्हारे पास है। ठीक है मैम, एनसीईआरटी को फेवरेट कैसे बनाए? नीट फैक्ट्स विद प्रीतिका मैम, देखो नीट फैक्ट्स विद प्रीतिका मैम, एनसीईआरटी अपने आप फेवरेट बनेगी। शेयर भी करना उसको, ठीक है, सिर्फ खुद के पास नहीं रख लेना है, हाँ मैंने पढ़ लिया बस बहुत है, दूसरा का भला ना हो यार, वो क्या फैक्ट्स ही तो है, शेयर जरूर करना बच्चों। ठीक है या चलो बच्चों, बाय बाय, आई विल एंड द सेशन राइट नाउ, लॉट्स ऑफ लव गाइस, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय बच्चों, बाय बाय, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, लॉट्स ऑफ लव, ब्लेसिंग, सब अच्छा होगा। अभी ज्यादा सोचने का नहीं, अभी क्या करने का, क्वेश्चन करने का नहीं, तो मम्मी आ गई क्या फोन काट ली क्या तो यार इसलिए अभी नहीं सोचना है कुछ भी, और बस एमसीक्यू लगाओ, बाद में सोचेंगे इमोशंस के बारे में, बाद में बातें करेंगे, अभी ये नेचुरल है टेंशन, है ना। उषा गुप्ता, यस व्हाई नॉट यू, यार ये कैसा सवाल पूछते हो, कैन आई क्रैक द नीड इफ आई स्टार्ट नाउ, ये पूछो ना कि मैम क्यों नहीं होगा, होने में तो बड़े आंसर है, ना होने के पूछ सकते हो आप। क्या बात है, किलर जैक। चलो बच्चों ओके, बाय बाय, गुड नाइट गाइज, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय गाइज, ऑल द बेस्ट, बाय, कल मिलते हैं, बाय।